पर हैरानी फिर से हो सकती है, लेकिन लंग कैंसर से पीड़ित रह चुके संजय दत्त साल भर के अंदर जिस तरह से अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना चुके हैं, हर कोई हैरान है। लंग कैंसर से जब संजय दत्त पीड़ित थे और उनका इलाज चल रहा था मुंबई में, तब पता चला था कि उनके कैंसर सेल्स और फ्लूइड लंग में जमा होने के कारण बार बार उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा। उन्होंने दुबई जाकर भी परिवार से मुलाकात की थी, महीनों जो अपने बच्चों से पत्नी से दूर रहे थे। लंग कैंसर से पीड़ित संजय दत्त को अपनी बहन प्रिया का काफी साथ मिला था इलाज के वक्त। अमेरिका जाकर इलाज के लिए लंग कैंसर से पीड़ित संजय दत्त को तड़पना पड़ा था क्योंकि उनके पास अमेरिकन वीजा नहीं था उस वक्त। हालांकि बाद में उन्हें ट्रीटमेंट के लिए जाने का मौका भी मिला। खैर, समय पर ट्रीटमेंट हुआ और कैंसर से रिकवर होने के बाद लंग कैंसर से जो वेट लूज किया था संजय दत्त ने, आखिरकार फिर से वो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ लोगों के बीच एग्जांपल सेट करते नजर आए। जी हाँ, आपको शायद हैरानी हो, 62 की उम्र में संजय दत्त बुढ़ापे की इस उम्र में भी लंग कैंसर को मात देने के बाद हैवी वेट लिफ्टिंग के साथ एक एग्जांपल सेट करते नजर आए हैं। बाइसेप्स बनाकर फ्लॉन्ट करते हुए संजय दत्त ने कई लोगों को हैरान किया है। फिटनेस को उनके देखकर ऐसा मालूम नहीं चलता कि वो 62 साल के हैं और उन्होंने लंग कैंसर को हरा दिया है। जी हाँ, संजू बाबा बॉलीवुड के आज एक बफर से फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ये उम्मीद है कि आने वाले समय में वो एक बहुत ही बड़ी फिल्म को लेकर तैयारियां कर रहे हैं जिसके लिए उन्होंने इस तरह से खुद को ट्रांसफॉर्म किया है। पिछले कुछ टाइम से संजय दत्त की फिल्म बहुत अच्छा करती नजर नहीं आई थी। लंग कैंसर से पीड़ित थे जब संजय दत्त, तो उन्होंने सड़क फिल्म के रिलीज पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेली थी क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म पर सबसे खराब रेटिंग वाली फिल्म सड़क थी, जिसमें आलिया भट्ट, पूजा भट्ट भी लीड किरदार पर नजर आई थी। खैर, यहाँ पर फोटोज भी सामने आई संजय दत्त की जिसमें वो वेट लिफ्टिंग करते नजर आए और टैटू भी उन्होंने फ्लॉन्ट किया, यानी कि तैयारियां उनकी खास है आने वाले अपने प्रोफेशनल वर्क फ्रंट को स्ट्रॉन्ग करने की। फिलहाल संजय दत्त के इस नए बदलाव के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हमने खास रिपोर्ट में बात की। ऐसी और नई खबरें हम लेकर आएंगे आपके बीच अगली रिपोर्ट में। तब तक आप देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।